नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एक नजर हेडलाइंस पर। रोगियों को निशुल्क उपचार में ना हो दिक्कत, मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक, लंबित घोषणाओं को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। भीलवाड़ा जिला प्रशासन की मुस्तैदी से बाल विवाह पर अंकुश, प्रशासन ने रोके 163 बाल विवाह। महंगे इलाज के कारण प्रदेशवासियों की जेब पर भार नहीं आए, इसी उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना शुरू की गई है। निरोगी राजस्थान भी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का सपना है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में रोगियों को निशुल्क उपचार में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये कहा है कि स्वास्थ्य का क्षेत्र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो लगातार योजना का फीडबैक लें और दवाइयों की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जोधपुर में हुई 4 बच्चों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जोधपुर में सुरसागर के कालीबेरी क्षेत्र में खान में भरे पानी में नहाते वक्त डूबने से 4 बालकों की मौत बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता एवं परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस कठिन वक्त में संबल प्रदान करे। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि सभी विभाग आपस में तालमेल से लंबित बजट घोषणाओं की कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को वक्त पर राहत मिल सके। मुख्य सचिव ने 14 विभागों की 111 बजट घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इन बजट घोषणाओं के लिए स्वयं के संसाधनों का भी उपयोग कर एक्शन प्लान बनाकर काम शुरू करें। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि रिवाइज DPR रेट से सभी विभागीय योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया 1 महीने में शुरू करें, जिससे बजट घोषणाओं के काम को आगे बढ़ाया जा सके। बैठक में उद्योग, शिक्षा और साथ ही ग्रामीण विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बजट घोषणाओं के संबंध में अपने अपने विभाग की प्रगति से मुख्य सचिव को अवगत करवाया। भीलवाड़ा जिला प्रशासन और जिला पुलिस की मुस्तैदी से जिले में बाल विवाह पर अंकुश लगाया जा रहा है। तुरंत कार्यवाही से बीते दिनों में 163 बाल विवाह रोके गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए समाज की मानसिकता और सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए जिला कार्यालय में बाल विवाह नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। साथ ही बाल विवाह करने से पीछे नहीं हटने पर 53 मामलों में धारा 13 के तहत कार्यवाही की गई और साथ ही 2 मामलों में FIR दर्ज की गई। पशुधन सहायक भर्ती 2022 में 300 पदों की बढ़ोतरी की गई है। अब 1436 पदों पर भर्ती होगी। पशुपालन विभाग के मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किए जाने के उद्देश्य से 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसलिए भर्ती में नव सृजित 300 पशुधन सहायकों के पदों को शामिल किए जाने का फैसला लिया गया। वर्ल्ड ल्यूपस डे पर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा कि ल्यूपस की बीमारी जिनको है वो चिंता ना करें, समय पर इलाज कराएं और पौष्टिक डाइट लेकर नॉर्मल जिंदगी जिए। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज लेकर इस बीमारी के कारण किडनी और अन्य अंगों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि SMS हॉस्पिटल में इस बीमारी के लिए विशेष डिपार्टमेंट होने से लोगों को प्रॉपर इलाज मिल रहा है। हम बहुत लकी हैं कि SMS में रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ है और वो डिपार्टमेंट बहुत ही प्रोएक्टिवली ट्रीटमेंट, पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग की तरफ कार्य कर रहा है। फिलहाल सूजस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।